देखो ये चैप्टर है कॉन्सेप्ट नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट। ऑडिट बेसिकली होता क्या है, देखो जहां पे अकाउंटिंग खत्म होता है वहां पे ऑडिटिंग शुरू होता है। ये बहुत बार ये स्टेटमेंट हम स्टेटमेंट फॉर्म में जितना क्वेश्चन आता है वो बाद में देंगे, इसलिए तुम लोग को 5 पेज छोड़ने बोले हैं। ये कंप्लीट नहीं हुआ है चैप्टर वन, बट अभी याद करने के लिए इतना दिए हैं। ऑडिट का मतलब होता है, देखो सबसे पहले आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में आता है कि जो वाउचर होता है, वाउचर क्या होता है, जैसे जो शॉपकीपर हम लोग जब कपड़े खरीदने जाते हैं या कुछ भी खरीदने जाते हैं तो वो रफली एक बिल काट कर देता है हम लोग को, वो बिल का उसके पास पूरा बुक जैसा बन जाता है। अब उस बुक से डायरेक्टली कोई जर्नल पास तो कर नहीं पाएगा, तो वो लोग क्या करता है, बुक कीपर रखता है। जैसे अंडर ग्रेजुएट लोग जो होते हैं वो लोग बोलते हैं हम लोग अकाउंटेंट का काम करते हैं, तो वो लोग बेसिकली क्या काम करता है, वो लोग बुक कीपर होता है। वैसा बिल को लेकर प्रॉपर स्टेटमेंट बनाता है। जब हम लोग कोई भी जर्नल पास करते हैं तो हम लोगों को स्टेटमेंट दिखाई देता है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹5,000, सेल गुड्स टू रुपीज इसको, ऐसा करके बहुत सारा स्टेटमेंट दिखाई देता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज, वो करके देता है हम लोग को बुक कीपर। वो बिल से वो स्टेटमेंट फॉर्म करता है जिसको हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग में वो जर्नल ये सबको पूरा अरेंज करके हम लोग को दे देता है, स्टेटमेंट को, एंट्रीज को। अकाउंटिंग का काम होता है जर्नल करना, लेजर करना, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, देन फाइनल अकाउंट्स। ऑडिटिंग होता है वो अकाउंट्स हम लोग सही से बनाए हैं या नहीं वो चेक करना, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज या बहुत लोग टैक्स इवेड करने के लिए या अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट ज्यादा दिखाते हैं कि बिजनेस को अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके, शेयर का प्राइस बढ़ जाए, फंडिंग अगर उठाना है मार्केट से तो फंडिंग उठ जाए। कुछ लोग जबरदस्ती लॉस ज्यादा दिखाता है क्योंकि टैक्स इवेड कर पाए, टैक्स चोरी कर पाए। ये सारे रीजन से लोग अकाउंट्स में थोड़ा सा छेड़खानी करते हैं और उसे गड़बड़ कर देते हैं। तो ऑडिट क्या करता है, उसको जाके चेक करता है कि वो गलत बनाया है कि सही। तो इसका बहुत सारा रूल है, पूरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो द वर्ड ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर विच मीन्स टू हियर। ऑडिट का मतलब होता है सुनना। अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर एन ऑडिट मे बी सेड टू बी सच एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स। इसमें हम लोग बुक्स को एग्जामिन करते हैं, अकाउंट्स को एग्जामिन करते हैं और वाउचर ऑफ अ बिजनेस। अब सोचो वाउचर भी वो क्यों देखता है, वाउचर वो इसलिए देखता है कि अगर हम लोग जो एंट्री पास करके रखे हैं वही रॉन्ग करे हो तो वो बोलता है अचानक से कि आप वाउचर भी दिखाओ। तो वाउचर भी देखता है ऑफ अ बिजनेस एज विल इनेबल द ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द बैलेंस शीट इज प्रॉपरली ड्रॉन अप। वो ये सब क्यों देखता है कि उसको सेटिस्फेक्शन रहे कि जो बैलेंस शीट बना है वो सही बना है। अगर ये एग्जैक्टली याद रहता है ये डेफिनेशन तभी इस इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना, अगर एकदम एग्जैक्टली याद नहीं रहता है तो इन्वर्टेड कॉमा मत देना। इन्वर्टेड कॉमा अगर देकर लिखते हैं एकदम करेक्ट तो 2 out of 2 मिलता है। अगर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं करते हैं तो हम लोगों को 1.5 मिलता है, मार्क्स में यही डिफरेंस आएगा। फिर है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी में और ऑडिटिंग में, क्या डिफरेंस है अकाउंटेंसी में, कि क्या मैटर होता है। सिर्फ हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड करने पे ध्यान देते हैं। इट इज कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ समरी एंड एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द बुक कीपर। सिर्फ बुक कीपर जो प्रिपेयर करके दिया है हम लोग उसी का और समरी करते हैं, मतलब उसको और जर्नल लेजर ये सब करते हैं। पर ऑडिटिंग इज कंसर्न्ड विद वेरिफिकेशन ऑफ बुक एंट्रीज। ये वेरीफाई करता है, चेक करता है बुक एंट्रीज को एंड अकाउंट्स को टू फाइंड आउट एक्यूरेसी, चेक करने के लिए सब कुछ एक्यूरेट है या नहीं, सब कुछ ठीक है या नहीं। तो ये कंसर्न्ड रहता है वेरिफिकेशन से, ये कंसर्न्ड रहता है प्रिपरेशन ऑफ समरी एंड एनालिसिस से। तो ये सब कीवर्ड है। स्टेटस, अकाउंटेंट का क्या पोजीशन होता है एक कंपनी में। तो अकाउंटेंट एक एम्प्लॉय होता है कंपनी का, पर ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट आउटसाइडर होता है। ये बाहर से आता है और सिर्फ ये चेक करता है, ये कंपनी का कोई एम्प्लॉय नहीं होता है। फिर है रेम्यूनरेशन।
अकाउंटेंट गेट्स हिज सैलरी रेगुलरली ऑन मंथली बेसिस, क्योंकि ये तो एम्प्लॉई है तो इसको मंथली बेसिस पे सैलरी मिलता रहता है. ऑडिटर का सिर्फ रेम्यूनरेशन फिक्स किया हुआ रहता है कि तुमको इतना हम लोग देंगे, इस बार का ऑडिट कर दो तुमको एक ऑडिटिंग का हम लोग इतना रुपया देंगे. उसका सिर्फ एक डील की तरह एक रेम्यूनरेशन डन किया हुआ होता है. नॉलेज, अकाउंटेंट को जरूरी नहीं है कि ऑडिटिंग करने का नॉलेज हो, पर एक ऑडिटर को अकाउंट्स का पूरा नॉलेज होता है, तभी तो वो अकाउंट्स चेक करता है. पर अकाउंटेंट भी ऑडिट भी कर दे जरूरी नहीं है. पोजीशन, अकाउंटेंट परमानेंट एम्प्लॉय होता है और ऑडिटर हो सकता है हम ईयर आफ्टर ईयर चेंज करते हैं. ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? अगर ऑडिट हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि जस्ट वेरिफिकेशन हो रहा है. तो ऑडिट में हम लोग जस्ट रहते हैं फाइंड आउट वेदर द बैलेंस शीट इज प्रॉपरली ड्रॉन अप और वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं, मतलब सब कुछ सही है या नहीं, ऑडिट सिर्फ यही पता करता है. पर इन्वेस्टिगेशन में वो क्या करता है, अगर उसको कुछ ढूंढना होता है, मतलब ऑडिट में उसको कोई पहले से शक नहीं होता है कि कुछ गड़बड़ है, वो नॉर्मली आके सब कुछ चेक करता है. जैसे कि टीचर्स कॉपी दो तरीके से चेक करते हैं, पहला नॉर्मली चेक कर रहा है, दूसरा उसको लगता है कि ये स्टूडेंट पूरा चीटिंग करके लिखा है. आंसर पढ़ के उसको फील होता है कि ये कहीं से कॉपी किया हुआ है, ये खुद नहीं लिखा हुआ है, उसको लगता है कि ये चीट पेपर से लिखा गया है. तो वो कैसे चेक करना शुरू कर देगा, जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहा हो, गलती ढूंढ रहा हो, इसी मोटिव से वो चेक कर रहा है. तो वो है इन्वेस्टिगेशन. हम कुछ पता करने का कोशिश कर रहे हैं, सर्चिंग इंक्वायरी. अगेन हम बता दें, इंक्वायरी और इंक्वायरी में क्या डिफरेंस है. ई से जो होता है इंक्वायरी, उसमें हमको पता है कि कुछ है तब हम ढूंढ रहे हैं. इंक्वायरी का मतलब होता है कि हमको कुछ पता ही नहीं है. जैसे पुलिस इंक्वायरी करता है, अगर कहीं पे कुछ चोरी हो गया है तो पुलिस इंक्वायरी करता है क्योंकि पुलिस को कुछ पता ही नहीं है कि सामने वाले को कुछ पता है, वो रैंडमली सबसे पूछता है, दैट इज इंक्वायरी. पर हम लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहां इंक्वायरी काउंटर होता है, हम लोग को पता है कि उसको टिकट के बारे में पता है, इसलिए उसके पास पूछताछ करने जाते हैं. तो वो इंक्वायरी करता है क्योंकि उसको पहले से लगता है कि हमको कुछ पता है, इसलिए वो पूछता है. तो इसलिए एग्जाम्पल है टू फाइंड आउट प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी एक्सेट्रा. वो फाइंड करता है कि इसका प्रॉफिट कितना है जो ये इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया, ऐसा कुछ पूछताछ करता है. उसके बाद हम लोग को बोल रहा है टाइम. ऑडिट करने के लिए एक साल लगता है, पर इट कवर्स सेवरल इयर्स. इन्वेस्टिगेट करने में बहुत साल लग सकता है. पर्पस, यहाँ पे हम लोग कैरिड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोप्राइटर्स ओनली. यहाँ पे हम लोग प्रोप्राइटर के लिए वो सब चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग किसी आउटसाइडर की वजह से चेक करते हैं. जैसे सोचो कि हम प्रोप्राइटर है, मेरा बिजनेस सही है कि नहीं, मेरे को तो उसका रिपोर्ट चाहिए होगा कि कहीं चोरी वोरी तो नहीं हो रहा है, इसलिए हम ऑडिट करवाएंगे सब कुछ ठीक है या नहीं. तो ये हम चाहते हैं तभी हम ऑडिटर को बुलाते हैं और अपना ऑडिट करवाते हैं. पर इन्वेस्टिगेशन हम प्रोप्राइटर नहीं करा रहे, कोई आउटसाइडर की वजह से हो रहा है. जैसे कि सोचो कि किसी को मेरा बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना है या परचेज करना है या कुछ भी करना है, तो वो पता लगाना चाहता है मेरे बिजनेस के बारे में, तब वो इन्वेस्टिगेशन करवाएगा. ये इन्वेस्टिगेशन प्रोप्राइटर कभी खुद नहीं करवाता है कि आओ और मेरा इन्वेस्टिगेशन करो. स्कोप क्या है, क्यों होता है ऑडिट. स्कोप मतलब क्यों होता है, क्या होगा करके. ऑडिटेड अकाउंट्स आर फर्दर इन्वेस्टिगेटेड फॉर सम स्पेशल पर्पस. हो सकता है कि ऑडिटेड अकाउंट्स फर्दर इन्वेस्टिगेट हो. सोचो मेरा अकाउंट्स ऑडिट हो चुका है, उसके बाद हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर हो, पर इन्वेस्टिगेट किया हुआ अकाउंट फिर कभी ऑडिट नहीं होता है. लीगैलिटी, ऑडिट इज लीगली कंपल्सरी इन केस ऑफ कंपनीज. कंपनी को ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, पर इन्वेस्टिगेशन वॉलेंटरीली होता है, चाहते हैं तो ही वो लोग करते हैं. जरूरी नहीं है कि हर कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा. वॉट आर द टाइप्स ऑफ एरर, ये हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़कर आए हैं, रेक्टिफिकेशन चैप्टर में अकाउंट्स का. ये बस वही है, कितने तरीके का एरर होता है. दो तरीके का ही एरर होता है, बेसिकली तीन तरीके का. क्लरिकल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपेंसेटिंग एरर्स.
ठीक है, तो क्लरिकल एरर क्या होता है? दो तरीके का होता है, एक एरर ऑफ ओमिशन, एक एरर ऑफ कमीशन। ओमिशन का मतलब होता है कि हम कंप्लीटली या पार्शियली कुछ रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। ठीक है, एक बात याद रहे, एरर हम लोग गलती से कर देते हैं, जानबूझकर हम लोग नहीं करते एरर, एरर बाय मिस्टेक होता है। तो हम लोग क्या किए, कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुआ था, सोचो और हम लोग गुड्स परचेज किए थे राम से, ये हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए तो बोलेंगे कंप्लीट ओमिशन है। सोचो राम से हम लोग गुड्स परचेज किए, गुड्स बढ़ा दिए कि गुड्स आ गया, पर राम का कोई डिटेल रिकॉर्ड नहीं किए, तो ये पार्शियली ओमिशन है। मतलब हम लोग एक चीज रिकॉर्ड किए, एक चीज रिकॉर्ड करना भूल गए, तो गुड्स परचेज फ्रॉम नरेंद्र वेयर नॉट रिकॉर्डेड एनी वेयर, ये कंप्लीट ओमिशन का एग्जाम्पल है। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, अमाउंट का गलती, 107 को हम लोग 170 लिख दिए, ये अमाउंट का गलती, तो ये इनकरेक्टली कुछ रिकॉर्ड कर देना अकाउंट्स में। एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है जिसको गोल्डन रूल्स का जानकारी नहीं होता है, या फिर उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जानकारी नहीं होता है, जैसे कि व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, सारे एक्सपेंस डेबिट होंगे, सारे लॉस डेबिट होंगे, सारे इनकम क्रेडिट होंगे, सारे गेन क्रेडिट होंगे, ये सब उसको याद नहीं रहता है। या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि इंस्टॉलेशन किए हैं मशीन का, वो मशीन में ही ऐड होगा, ये नॉलेज मेरे को नहीं है, हम उसको जाके पीएल में खर्चा में लिख दिए। इस तरीके का अगर कोई गलती करता है तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल करता है। इसलिए टेक्स प्लेस व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विदाउट हैविंग रिगार्ड टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ही नहीं पता है। कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बट रिकॉर्डेड इन पीएल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग मेरा कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो वर्क इन प्रोग्रेस है, पर एसेट का हम जाके उसको पीएल में लिख दिए। फिर कंपेंसेटिंग एरर, कंपेंसेटिंग एरर क्या होता है, हमको डेबिट में लिखना था 100, हम क्रेडिट में जाके लिख दिए 100, तो वो टैली तो हो जाएगा। मतलब परचेज हमको डेबिट में लिखना चाहिए था 100, हम परचेज को क्रेडिट में जाके लिख दिए 100, सेल्स को हमको क्रेडिट में लिखना था 100, हम डेबिट में लिख दिए 100, दोनों तरफ 100 100 तो आ गया, टैली तो हो जाएगा ट्रायल बैलेंस, पर एरर है। तो इट अराइजेस व्हेन एन एरर इज काउंटर बैलेंस्ड, काउंटर बैलेंस्ड मतलब अपने आप ही बैलेंस हो जाना एक दूसरे से, और कंपेंसेटेड बाय एनी अदर एरर। हम डेबिट में गलती से 100 लिखे सेल्स का, तो गलती से उसी टाइम काउंटर एरर कर दिए, परचेस को क्रेडिट में लिख दिए 100 का। जैसे रानीज अकाउंट वॉज टू बी डेबिटेड बाई ₹10 बट इट वॉज डेबिटेड बाई ₹100, हमको डेबिट में लिखना था 10, हम लिख दिए डेबिट में 100। सिमिलरली श्याम्स अकाउंट वॉज टू बी क्रेडिटेड बाई ₹10 बट इट वॉज क्रेडिटेड बाई 100, हमको श्याम लिखना था क्रेडिट में 10, पर हम जाके लिख दिए 100, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में 100 100 रिकॉर्ड हो गया। एरर दिखाई नहीं देगा पर एरर है, इसको कहते हैं कंपेंसेटेड एरर। अब है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड, एरर और फ्रॉड में क्या डिफरेंस है? एरर हम लोग जानबूझकर नहीं करते हैं, इंटेंशनल नहीं होता है, अनइंटेंशनल होता है। फ्रॉड हम लोग इंटेंशनली करते हैं। फ्रॉड मींस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और एंट्री मेड इंटेंशनली और विदाउट बीइंग इन इट्स ट्रूथ विथ अ व्यू टू डिफ्रॉड समबडी, हमको किसी को चीट करना है इसलिए हम वो करते हैं। एग्जाम्पल, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, कैश का हेरा फेरी करना, गुड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, गुड्स का और अकाउंट्स का मैनिपुलेशन करना। देन है ऑडिटिंग का एडवांटेज क्या है, बिजनेस के व्यू पॉइंट से हम लिखवाए हैं, द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंड इट्स फाइनेंशियल पोजिशन कैन बी एग्जामिन्ड बाय इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड ऑडिटर। जब भी ये हम लोगों का होता है ऑडिट, तो वो इंडिपेंडेंट और क्वालिफाइड ऑडिटर ही करता है। क्विक डिस्कवरी ऑफ एरर एंड फ्रॉड, इससे क्विक एरर हो रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ये पता चल जाएगा ऑडिट कराने से। मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज, मॉरल चेक मतलब
सोचो एम्प्लॉय लोग कुछ गड़बड़ करने का कोशिश किया है अपना सैलरी या किसी चीज में, सोचो एचआर के साथ एक एम्प्लॉय अपना सेटिंग कर लिया, एचआर बोला हम तुमको दे देंगे 1,000 रुपया ज्यादा और तुम फिर उससे मेरे को 500 या 400 दे देना, हम तुम्हारा रिलीज कर देते हैं 1,000 रुपया सैलरी, हम तो करोड़ में सैलरी रिलीज करते हैं, 1,000 रुपया पता भी नहीं चलेगा, तो वो मॉरल चेक हो जाता है एम्प्लॉय का। लोन्स कैन इजिली भी, क्योंकि इसको फ्रॉड नहीं बोल सकते, मॉरल चेक क्यों बोल रहे हैं, ये फ्रॉड नहीं है, करोड़ों का कंपनी में अगर 1,000 रुपया वो निकाल रहा है तो दिस इज नॉट फ्रॉड, दिस इज मॉरली रॉन्ग। लोन्स कैन इजिली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक, ऑडिट करवाने से ऑडिटेड अकाउंट्स के बेसिस पे हम लोग को लोन जल्दी मिलता है। द बिजनेस इटसेल्फ एंजॉय बेटर रेगुलेशन ड्यू टू ऑडिटेड अकाउंट्स, ऑडिट करवाए भी रहने से बिजनेस का खुद का रेप्यूटेशन बहुत अच्छा रहता है कि हम लोग का कंपनी तो ऑडिट करवाता है प्रॉपरली। फॉर द ओनर्स ऑफ बिजनेस, ओनर के लिए ऑडिट क्या फायदेमंद होता है? इफ अ बिजनेस इज ओन्ड बाय अ सोल ट्रेडर, हिज अकाउंट्स क्लर्क हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स, इसमें क्या फायदा होता है? अगर कोई सोल ट्रेडर है तो उसका क्लर्क अकाउंट्स मेंटेन करता है तो वहां फायदा हो जाता है, वो कुछ चीट नहीं कर सकता। इन अ, यहाँ पे लिख लो मेंटेनिंग अकाउंट्स, सो लेस चांस ऑफ फ्रॉड, क्योंकि सिर्फ वही आदमी कर रहा है, अगर कोई भी गलती हुआ तो उसी की गलती है। इन अ पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है तब तो क्लर्क ही पकड़ाएगा, क्योंकि हम है और मेरा एक क्लर्क है, मेरा एक अकाउंटेंट है। इन अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स कैन यूटिलाइज द ऑडिटेड अकाउंट्स टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स, वो लोग अपना डिस्प्यूट सेटल करने के लिए ऑडिटेड अकाउंट्स को यूज करता है, ऑडिटेड अकाउंट्स कोर्ट में वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। अदर्स के लिए फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न ऑडिटेड के मतलब इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग पढ़े हैं असेसमेंट में कि उन लोग को डाउट होता है तो उन लोग असेसमेंट करता है, स्क्रूटिनी असेसमेंट, समराइज असेसमेंट, पर ऑडिटेड अगर अकाउंट्स के साथ सबमिट करते हैं तो वो लोग कोई असेसमेंट जल्दी नहीं करता है। सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, सेल्स टैक्स पेमेंट, ये सारा फायदा हम लोगों को होता है। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का क्या बुराई है। लैक ऑफ कंप्लीट पिक्चर, ऑडिट करवा लेने से भी हम लोग को कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? देखो ऑडिट का भी टाइप्स होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑडिट में क्या होता है ना, एक होता है तुम्हारा ऐसे ही, सोचो हम, मेरा 31 मार्च को बुक्स क्लोज हुआ, हम 1 अप्रैल को ऑडिटर बैठाए और वो मेरा जून तक ऑडिट कर रहा है 3 महीना, तो पूरा 1 साल हम जो जो किए वो एक एक चीज पता कर सकता है? नहीं। तो जरूरी नहीं है कि ऑडिटिंग के बाद मेरा वो कंप्लीट पिक्चर दिखा सकता है, ये इजी नहीं है। इफ द अकाउंटेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू डिफ्रॉड अदर्स, अगर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट होगा यहाँ पर, नहीं अकाउंट्स ही होगा, If accounts are prepared to defraud others, अगर वो सोच लिया है अकाउंटेंट कि हमको फ्रॉड करना है, तो वो अकाउंट्स को कुछ इस तरह प्रिपेयर करेगा कि ऑडिटर उसको पकड़ ही नहीं पाएगा, ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट देम। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ डिपेंडेंस, द ऑडिटर हैज टू डिपेंड, देखो ऑडिटर को कुछ भी जानना होता है, अकाउंट्स में कुछ भी डाउट मिलता है तो वो किससे पूछेगा? वही वो जाकर अकाउंटेंट से पूछेगा, एम्प्लॉय से पूछेगा, स्टाफ से पूछेगा, वो वही लोग से पूछेगा और वो लोग अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेटिव आंसर देगा। तो ऑडिटर लोग तो एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन सब मांगता ही है जाके स्टाफ से और क्लाइंट से, और उसमें से ही अगर कोई चीट कर रहा है और चीट करने वाले जनरली ऊपर पोजिशन का पर्सन होता है तो वो वैसे ही सब चीज कवर अप कर लेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एरर इन द ऑडिटेड अकाउंट, ड्यू टू टाइम एंड कॉस्ट constraint, the auditor cannot examine all the transaction. तुम सोचो एक महीने में एक कंपनी कितना ट्रांजेक्शन करता होगा, वो एक साल का सारा ट्रांजेक्शन का वाउचर से लेके जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक सब चेक कर लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। ऊपर से कंपेंसेटिंग एरर भी रहता है तो कंपेंसेटिंग एरर को फाइंड करना भी उसके लिए डिफिकल्ट है, तो वो सारा एरर फाइंड नहीं कर पाता है एक ऑडिट में। एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट,
The same audit work can be done by two different auditor with difference in personal judgment. वो तो है ही, कोई भी एक काम को अगर दो जन करता है, सोचो हम पहले किसी से कराएं और हम फिर दूसरे से कराएं, तो ये कोई रूल नहीं है कि दोनों सेम बोलेगा. हो सकता है इसको कोई गलती दिखाई ना दिया हो पर उसने वो डिटेक्ट किया हो, तो दो ऑडिटर दो अलग आंसर दे सकता है. ऑडिट रिपोर्ट जब बनाता है तो दो अलग ऑडिट रिपोर्ट बन सकता है, जरूरी नहीं है ये अप्रूव कर दिया है तो दूसरा भी अप्रूव ही करेगा. फिफ्थ, लैक ऑफ एक्सपर्टीज. एन ऑडिटर हैज टू टेक ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट ऑन सर्टेन मैटर्स ऑन विच ही मे नॉट हैव एक्सपर्ट्स नॉलेज. बहुत बार बहुत कुछ ऐसा होता है जो ऑडिटर हम लोग अपॉइंट किए हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो वाला आंसर, वो वाला चीज उसको समझ नहीं आ रहा है कि ट्रीटमेंट सही है या नहीं है. जैसे अकॉर्डिंग टू AS 11, सोचो फॉरेन एक्सचेंज का कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, अब उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सही किया है कि नहीं, एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो वो चल जाएगा किसी एक्सपर्ट से नॉलेज लेने. तो वो 5 लिमिटेशंस है. ऑडिट कितने टाइप का होता है? अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो स्टैटूटरी ऑडिट होता है, नॉन स्टैटूटरी ऑडिट होता है. स्टैटूटरी ऑडिट होता है जो कंपल्सरी होता है, स्टैटूटरी ऑडिट करवाना पड़ता है. किन लोगों को करवाना पड़ता है? जो स्टैट्यूट के अंदर रजिस्टर होते हैं, जैसे कंपनी ऑडिट, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब जो ट्रस्ट होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रस्ट को ऑडिट करवाना पड़ेगा, कंपनीज को ऑडिट कराना पड़ेगा. अगर लॉस मेकिंग हो रहा है फिर भी कराना पड़ेगा, कंपनी किसी ने खोला है तो ऑडिट कराना पड़ेगा. जो ऑडिट कराना पड़ेगा उसको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट. नॉन होता है, इट इज वॉलंटरी इन नेचर. सोचो मेरा बिजनेस है, हम करवा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा बेनिफिट है, पीछे बेनिफिट पढ़कर आए हैं, तो सोचो टैक्स सेटलमेंट करने में आराम होता है, इंश्योरेंस क्लेम में आराम हो जाता है, मेरे को लोन लेने में आराम होता है, इसलिए हम ऑडिट करवाते हैं. तो वो कंपल्सरी नहीं है, मेरा मन है इसलिए कराते हैं. द ऑडिटर नीड नॉट पॉसेस एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. जैसे ऑडिटर होने के लिए CA होना पड़ता है, पर ये लोग किसी से भी ऑडिट करवा लेते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ ऑडिट विच इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड, क्योंकि लीगली रिक्वायर्ड नहीं है. ऐसे ही अगर जैसे किसी हम लोग फर्म को बोले कि हम लोग को नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना है, तो वो अपने एक आर्टिकल को भेज देगा, 2-3 आर्टिकल को टीम बना के भेज देगा और वो लोग हम लोग को ऑडिट कर देगा, ऑडिट रिपोर्ट बना देगा. तो वो लोग कोई CA नहीं है पर हम लोग को ऑडिट कर दिया. दूसरा है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी टाइम के हिसाब से कितना है? 2 है, पीरियोडिकल ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट. पीरियोडिकल ऑडिट क्या होता है? जो सिर्फ साल के एंड में कराते हैं, जो हम इतने देर से बोल रहे हैं कि 31 मार्च को हम लोग का अकाउंट खत्म हुआ, 1 अप्रैल को हम लोग अपॉइंट कर दिए 3 महीना के लिए, ये है पीरियोडिसिटी. पीरियोडिकल ऑडिट सिर्फ 3 महीना 1 महीने के लिए हम लोग करा रहे हैं. द ऑडिटर टेक्स अप हिज वर्क ऑफ चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स only at the end of the accounting period when the transactions are completely recorded is known as periodical audit or final audit or complete audit. याद रहे इसका नाम तीनों है. ये सब बहुत बार आता है. define final audit. continuous audit, हम लोग अपना ही CA रखे हैं जो continuously audit हर वक्त करता ही रहता है, वो देखता ही रहता है कोई गलती है या नहीं, हम लोग अपना CA ही ऑडिट करता रहता है. तो इट इज वन वेयर द ऑडिटर इज कंटिन्यूअसली ऑक्यूपाइड ऑन द अकाउंट्स द होल ईयर राउंड, वो पूरा साल ही करता रहता है. इट इज नेसेसरी फॉर बिग बिजनेस. बिग बिजनेस के लिए नेसेसरी है. आज रिलायंस ये लोग सोचेगा कि हम साल के एंड में जाके करवाएंगे पीरियोडिकल ऑडिट, कोई आदमी कर ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है. 100 ऑडिटर आ जाएगा तब भी नहीं कर पाएगा. तो ये लोग खुद का रखता है और सालों भर कराता रहता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिटेल्ड ऑडिट. ये डिटेल्ड ऑडिट है. फिर होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव के हिसाब से 2 है, इंटरनल ऑडिट, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट होता है जो हम बोले कि हर वक्त जो अपना ही ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं और वो हर वक्त ऑडिट करता रहता है, जैसे अपना CA. So some business appoint auditor to have a constant and regular view of their accounts. जो
कंटिन्यूअसली मेरा ऑडिटिंग करता रहेगा, वही कंटिन्यूअस ऑडिट, यही वाला। सच ऑडिटर आर परमानेंट इन नेचर, इस ऑडिटर को तो हम रखे हुए रहते हैं, इसलिए इस ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर कहते हैं, मेरा खुद का ऑडिटर है वो। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट होता है जो बाहर से आता है, इट इज एग्जामिनिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन इफ दे आर एक्यूरेट एंड इन अकॉर्डेंस विद एनी एप्लीकेबल रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉ। ये ऑडिट क्या होता है, जिसमें हम आकर सिर्फ चेक करते हैं कि कंपनी का रूल्स रेगुलेशन और लॉ तो वो फॉलो करता है ना, मतलब यहाँ पे वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो चेक करता है उसमें सिर्फ एक चीज देखता है कि रूल्स रेगुलेशन और लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं, मतलब एक्यूरेट है कि नहीं वो तो देखेगा ही, पर रूल्स रेगुलेशन और लॉ भी देखेगा। याद रहे सिर्फ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट ही है जिसमें रूल्स रेगुलेशन और लॉ तीनों देखता है। अकॉर्डिंग टू टेक्निक, बैलेंस शीट ऑडिट और सिस्टम ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट में क्या होता है, वो मेरा कुछ नहीं देखेगा, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, वाउचर, ये सब नहीं देखेगा, वो सिर्फ क्या देखेगा, ऑडिटर चेक कैपिटल रिजर्व्स असेट्स लाइबिलिटीज, वो सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम को देखेगा। गिवन इन द बैलेंस शीट दोज आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आर ऑल्सो चेक विच हैव अ बियरिंग ऑन द बैलेंस शीट आइटम। और वो क्या देखेगा, ट्रेडिंग पीएल का सिर्फ कौन सा आइटम देखेगा जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, जैसे डेप्रिसिएशन चेक कर लेगा पीएल में जाके क्योंकि वो बैलेंस शीट से आया है, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देख लेगा क्योंकि वो डेटर से लेस होके आया है, पर सैलरी रेंट ये सब नहीं देखेगा। उसके बाद हाँ, तो बैलेंस शीट में बेसिकली ये लोग उसी आइटम को जाके चेक करेगा जो पीएल में जाके चेक करेगा अगर किसी आइटम को, तो जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, जो बैलेंस शीट में है ही नहीं उसको पीएल और ट्रेडिंग में नहीं देखेगा। अच्छा, सिस्टम ऑडिट फिर क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ऑडिट। एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन का ना कंप्यूटर का भी ऑडिट होता है, कंप्यूटर को भी वो लोग जाके चेक करते हैं कि कहीं कंप्यूटर में ऐसा, जैसे कहीं पे सोचो पासवर्ड मारा हुआ है तो वो लोग बोलता है कि इसका पासवर्ड बताओ हमको ये खोल कर देखना है, तो इस तरह वो लोग सिस्टम को मतलब कंप्यूटर को जाके ऑडिट करते हैं, कंप्यूटर को अंदर देखते हैं कि अगर उसमें कुछ सीक्रेट मिल जाए तो। तो इसलिए लिखा है इट इज अ थॉरो एंड केयरफुल इवैल्यूएशन एंड रिव्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम का भी ऑडिट करता है।